बहुत ही उम्मीद के साथ में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता लेकर के आई थी कि राजनीति के अंदर ये बदलने आया। इन्होंने तो राजनीति को ही बदल दिया, दिल्ली के वासियों को दो नशे में लगा दिया, एक तो मुफ्तखोरी, दूसरा नशाखोरी। हमारे बीच में कुकी पांडे जी हैं जो कि प्रदीप वत्स से जाने जाते हैं। सोफड़ा रोड की बात करें तो लगभग यहाँ पर 6 शराब के ठेके खुलने की मंजूरी मिल चुकी है। सोफड़ा रोड की बात करें तो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं इन शराब के ठेकों का। क्या कहना चाहेंगे कुकी पांडे जी इस शराब के ठेकों को लेकर? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र में विरोध की एक लहर चली है, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सवाल मेरे से किया, एक ज्वलंत समस्या है हमारे क्षेत्र की शराब की जी। शराब जो केजरीवाल जी की आबकारी नीति है उसका विरोध हमारा पूरा क्षेत्र कर रहा है। क्यों कर रहा है कि किसी भी अपराध में आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा जरूर होता है जी। अगर चाहे वो निर्वाह कांड रहा हो, चाहे कोई भी रेप का केस हमारे दिल्ली में या किसी भी क्राइम NCR में कहीं भी कोई घटना घटित हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई नशा जरूर होता है। केजरीवाल जी ने हमारे क्षेत्र में, मैं छोटे छोटे वार्डों की बात कर रहा हूँ, एक वार्ड में छोटी सी जनसंख्या होती है निगम की 55,000। हाँ, बस उसमें हर वार्ड में 3-3 ठेके, एक विधानसभा में 12 ठेके और एक पिंक ठेका महिलाओं के लिए। हमारे तो कल्चर और संस्कार में है कि महिला तो शराब की बात दूर, अगर भाई भी शराब पीता तो एक दूसरे भाई से छुपके पीता है। बिल्कुल ठीक बात। अगर किसी में यह ऐप लग गया है तो शराब तो बहुत दूर की बात है, एक बीड़ी भी छुप करके पीते हैं, तो मान सम्मान होता है। ये ठेके गली के कोने पर खोल करके पता नहीं केजरीवाल जी क्या चाहते हैं। अब तक हम सुन रहे थे उड़ता हुआ पंजाब, अब हम देखना चाह रहे हैं शायद दिल्ली उड़ने लगे, कि नशे के इतने आदि हो जाएं कि वो हर तीसरा आदमी नशे में घूम रहा हो, गोवा जैसी स्थिति दिल्ली शहर में ना हो जाए। प्रदीप जी, बात करें यहाँ पर क्या नाम है, अगर सॉफ्टवेयर रोड पे तो प्राइम 3-3, 4-4 स्कूल्स भी हैं, क्या हालात होगा, क्या मंजर होगा यहाँ पर? मंजर की जहाँ तक मैं कहता हूँ, हमारा यूथ जो आज सब अपने काम के सिलसिले में रोड पर होता है जी। कभी ठंड ज्यादा होती है, कभी खुश होता है, कभी गम में होता है जी। जब हर समय सामने ठेका होगा जी, जो कभी महीने दो महीने में पीता हो जी, शादी ब्याह में ओकेजनली पीता हो, लेकिन जब हर समय सामने ठेका होगा तो जाकर के वो शराब पर कहीं ना कहीं रुकेगा और सोचेगा चल आज और कभी किसी के दोस्त आ रहा है, कोई किसी के मिल रहा है। अपराध का सिलसिला यहाँ पे कितना तेजी से बढ़ने वाला है? चेन स्नेचिंग, लूट और छेड़छाड़ जी, ये घटना इतनी एकदम इंक्रेज हो जाएंगी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते जी। अभी तो हम ठेकों को बहुत साधारण वे में ले रहे हैं जी, जी। ये समझिए शुगर की बीमारी है जी। छोटे लेवल पर दिखती नहीं है कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उस बीमारी से शरीर को खोखला कर देती है और कितनी बीमारियों की जड़ है। दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि सोफुटा रोड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लगभग 2 तो सरकारी नगर निगम स्कूल सा आते हैं, और बात करें कोनार पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, तक्षला पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, नालंदा पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, और क्या नाम है कबीर नगर की बात करें तो ओशन पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, 3-4 के करीब यहाँ पे मंदिर भी आते हैं, बीच में मस्जिद भी है। स्कूलों की बात करें, छुट्टी होगी, टीचर्स अपने आपको कितना सुरक्षा के दायरे में माने कि कितना सुरक्षा ये ले पाएंगी ये बताएं। ये ठेके जब 24 घंटे आपको सर्विस देंगे, नाइट में 3 बजे तक खुलेंगे, और ओडीवन एक तरह से होकर के ठेके आपके, एक ठेका तो 24 आवर्स खुलेगा जी, जी, जी। उस स्थिति में क्षेत्र के जितने क्रिमिनल लोग हैं वो रोड पर शराब लेने के लिए आएंगे जाएंगे, पुलिस प्रशासन उनसे क्या पूछेगा, कहाँ से आ रहे हो, क्या करने गए, क्राइम करेंगे, कहें शराब की दुकान से आ रहे हैं जी, लीगल है, बिल्कुल ठीक बात है। केजरीवाल जी ने लीगल कर दिया है कि आप शराब कभी पिए, 25 से उम्र घटाकर 21 कर दी, 21 साल का बच्चा क्या समझ रखता है कि मुझे क्या कर देना है, अभी क्या नहीं करना है। कल आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन करा, और अब तो 2 दिन और शेष बचे हैं खुलने के लिए, तो अब आगे की रणनीति आप लोगों की? रणनीति यही रहेगी, हम लोग जहाँ जहाँ ठेके खुल रहे हैं उनके बाहर जो लोग अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ बैठेंगे जी, और लीगल तरीके से हम उसका विरोध करेंगे, और उन लोगों से अनुरोध करेंगे जिन लोगों ने ठेके किराए पर दिए अपनी जगह, और कोई व्यवसाय जिसमें मार्केट एसोसिएशन भी आपकी मदद करेगी, अगर कोई किराए के लिए यहाँ जगह देखता है तो प्रायोरिटी आपके जगह की होगी कि पहली प्रायोरिटी पर आपकी जगह किराए पर दिलवाई जाए। कुकी पांडे जी, यहाँ पे देखने में आया कि ओयो होटल की भी भरमार आ चुकी है, मतलब क्या चाह रहे हैं, ओयो होटल यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस है? देखिए, ना तो यहाँ कोई टूरिस्ट आता है, ना यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है, ना सबको पता है ओयो होटल में क्या चल रहा है। ये सीधा सीधा कह दे तो वेश्यागर्दी
हो रही है, अड्डे बन चुके हैं, इनसे भी हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आ गए शराब के ठेके, शराब के ठेके। आपने इसमें बिल्कुल ही ऐसी बात कह दी है कि दोनों ही क्राइम की जड़ हैं। माँ कह दीजिए आप इन्हें क्राइम की, ये दोनों ही क्राइम की। जब से यहाँ पर ओयो होटल और शराब के ठेके खुलने की बात आई है, प्रॉपर्टी का रेट भी नीचे जी जी, जिस गली के कोने पर और जिस गली पर आ जाएगा, पहली पहचान कहाँ होगी, आप कहाँ रहते हैं, ठेके वाली गली। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। जब हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन बेटियां घर से किसी काम के लिए बाहर निकलेंगे तो गली के कोने पर दो गाड़ियां खड़ी होंगी, उसके अंदर शराब पी जारी होगी। चिंता का विषय ये भी बन चुका है कि बच्चों की शादी अब क्या यहाँ हो पाएगी। बाबू ठेके वाली गली पहचान बन जाएगी जी। अच्छा परिवार तो चाहेगा नहीं हम वहाँ संबंध बनाए। बिल्कुल ठीक बात है, वो चाहेगा ही नहीं कि वहाँ आया जाए, संबंध बनाया जाए। जनता से क्या कहना चाहेंगे एक होने के लिए? जनता से करबद्ध प्रार्थना, इस समय आवश्यकता है जो मैंने बताई, ये छोटी बीमारी नजर आ रही है लेकिन भविष्य के लिए ये कैंसर हो जाएगा जिसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे बीच में कुकी पंडित जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि वास्तव में ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी। इलाका खराब होने जा रहा है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, आए दिन यहाँ पर चोरी चकारी और चैन स्नैचिंग और तो और मारपिटाई तक की भी यहाँ पे नौबत आएगी। हालात खराब होंगे, हालात बेकाबू होंगे, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जो चुने हुए विधायक हैं वो जब भी धरने प्रदर्शन होते हैं, इन प्रदर्शनों से गायब नजर आते हैं। तो आप पूरे कोरोना काल के अंदर अगर ये आम आदमी पार्टी का विधायक गोपाल राय कहीं देखने को नहीं मिला है किसी को, इनके कुछ कार्यकर्ता शायद वो पेड हैं क्या हैं, व्हाट्सबुक फेसबुक पर आपस में फेसबुक खेलते हैं और उनकी फोटो डालते रहते हैं। अब ये जब हम परेशान हैं, हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के बजाय वो कहीं पर चालान कटवा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में ये लोग शामिल नहीं हैं। ये बात भी तय मानी जा रही है क्योंकि चर्चा चौराहे से ये निकल के आ रही है, अगर ये शराब के ठेके खुल गए तो आम आदमी पार्टी का बाबरपुर में तो बहिष्कार। बाबरपुर नहीं, पूरी दिल्ली में बहिष्कार होगा। हमारा क्षेत्र शराबियों का क्षेत्र नहीं है। जो लोग आज टिकट की तैयारी और दावेदारी आम पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर आज आप समाज के साथ नहीं है तो कल जब चुनाव का समय आएगा वोट मांगने का अधिकार आपको नहीं होगा। आप हमारे कंधे से कंधा नहीं मिला रहे हैं, समाज के साथ नहीं है, तो क्षेत्र में कृपया वोट मांगने और अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं है। हमें अब आपकी जरूरत है, आपके विधायक की जरूरत है, हमें अपने विधायक की जरूरत है, लेकिन वो आदमी लापता है, वो किसी भी तरीके से बुलाओ आएगा नहीं। हम परेशान हैं, तो परेशानी में जो हमारे साथ नहीं तो हम उसके साथ नहीं। कुकी पंडित जी का बिल्कुल ठीक कहना है कि अगर चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो क्या हाल होगा, अंदाजा लगा लीजिए। अभी विधायक बने हुए चंद ही साल हुए हैं, दिल्ली के हालात क्या कर दिए हैं, निगम में आ गए तो आप समझ सकते हैं कि क्या बंदर होगा गलियों का। अभी फैसला आपने करना है, क्या सही क्या गलत। जी कुकी जी, एक बात और कहना चाहूंगा गोपाल राय जी के बारे में, दुख दर्द हमारा वो समझता जो हमारे बीच का आदमी हो, ये बाहर से आए और हमारे बाबरपुर क्षेत्र में MLA बन गए। दुर्भाग्य हमारा कि हमारे क्षेत्र में क्या MLA बनने लायक कोई आदमी नहीं, बाहर से आकर के राज कर रहे हैं एक तरह से, तो ये दुख दर्द क्या समझेंगे हमारा, क्योंकि हमारे बीच के ये है ही नहीं। बाहर से तो खैर मनोज तिवारी भी आए, उन्हें भी जनता ने नकारा है, उनको भी नहीं समय पर नकारा है, इस बात का एहसास करा है। और ये कम से कम कोई हमारे दुख में आए, हमारे सांत्वना दे, ठेके खुल रहे हैं, आप हमारे बीच आइए, हमें सुनिए हमारी परेशानी क्या, हमारा दुख आज क्या है। लेकिन आप नहीं आ रहे, आपके जो वर्कर आने वाले समय के कैंडिडेट आप लोग बना रहे हैं, चुन रहे हैं, वो भी एक आदमी सिंगल वन कल हमारे आंध्र प्रदर्शन में आया था जी जी जी। उसके अलावा कोई जितने भी कैंडिडेट है मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूँ, अगर आज आप हमारी जनता के हम लोगों के साथ नहीं है, जनता के साथ नहीं है, तो चुनाव के समय में जनता आपके साथ नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे आप अपने कितने बड़े दिग्गज हो, आप जो भी हो, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि पार्टी की चमचागिरी छोड़ समाज के साथ आए, समाज चुनता है आपको जी। पार्टी तो सिर्फ टिकट दे सकती है, लेकिन पद पर और मान सम्मान पहुंचाना वो अपने क्षेत्र की जनता का काम है। आप उनके साथ रहेंगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा आप दर दर की ठोकर खाएंगे और अपनी जमानतें नहीं बचा पाओगे। तो ये थे हमारे बीच में कुकी पंडित जी, फैसला कर दिया है कि वोट मांगने मत आ जाना, अब राजनीति को फिलहाल खुंटी पे टांग करके मानवता हित के लिए सड़कों पे आए, एकता दिखाए, इन गोरख धंधों को खुलने से बचा ले, और नहीं तो आने वाला मंजर आप सबके सामने होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।